प्यारे छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी आप पढ़ेंगे विषयनिष्ठ लघुत्तरीय प्रश्न और उसमें भी गद्य वाला भाग। काव्य वाला भाग आपको बता दिया गया है, अब गद्य वाले भाग को आपको देखना है। तो गद्य वाले भाग को आप देखिए, याद रहे कि आप लोगों को 5 लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना है। हर एक प्रश्न 2-2 अंक का होता है, तो 5 प्रश्न का उत्तर देंगे तो 2 नंबर का 1 यदि है तो 5 का 10 हो जाएगा। 10 अंकों का यह सेट होता है, 10 अंक आपको लघुत्तरीय प्रश्नों पर आधारित होते हैं। तो 10 अंकों में हर एक प्रश्न 2-2 अंक का होता है। तो काव्य वाला भाग आपको बता दिया गया है, गद्य वाला भाग अभी आपको बताया जाएगा, और तब फिर आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर अलग अलग नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर एक साथ ही दिया जाएगा। गद्य खंड का भी और काव्य खंड का भी दोनों को मिलाकर एक साथ आपको दिया जाएगा, और उसमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। लगभग 10 प्रश्न दिए जाएंगे, 10 प्रश्नों में 5 प्रश्न आपके मन पर निर्भर करता है कि आप किससे देंगे। मन करता है काव्य से ही देने का तो आप काव्य से दे लीजिए, आपको मन करता है गद्य से देने का तो गद्य का ही दे लीजिए। जिसका भी उत्तर दीजिए आप सुंदर व्यवस्थित रूप से दीजिए, इसका हमेशा आपको प्रयास करना है। जितना अधिक आप सुंदर व्यवस्थित रूप से उत्तर देंगे उतना बढ़िया अंक आपको मिलेगा। तो अभी शुरू करते हैं गद्य भाग से लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। गद्य भाग में जो लघुत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं उसको अत्यंत छोटे में छांटकर आपको बहुत महत्वपूर्ण जो है वो दिया जा रहा है। वैसे आप गेस पेपर को देखिएगा, पूरे गेस पेपर में बहुत संभल कर ढंग से दिया गया है, तो उसको आप पढ़िएगा। पूरे गेस पेपर को पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर आपको संक्षेप में दिया जा रहा है, यदि हमें वाक् शक्ति न होती तो क्या होता। आप अंदाज से भी कह सकते हैं कि मनुष्य के भीतर वाक् शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा। वह अपना सुख दुख किसी को नहीं बता पाएगा, किसी से न सहायता ले पाएगा और न सहायता दे पाएगा। सामाजिक जीवन में सहायता लेना देना दोनों चलता है। हमारी सभ्यता संस्कृति नष्ट हो सकती है, इसी को यहाँ पर दिया गया है। फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था उसने कहा था, कहानी में आपने पढ़ा होगा। फिरंगी मेम के बाग में हरी हरी मखमली घास थी, उसमें सुंदर फल फूल भी थे। उसका बगीचा बड़ा सुंदर था, तो उसी की बात यहाँ की गई है। जयप्रकाश बाबू कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, ये आपको बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। थे वे एक नंबर का कम्युनिस्ट अमेरिका में, अमेरिका में वे एक नंबर का कम्युनिस्ट बन गए, और जब अमेरिका से हिंदुस्तान आए उस समय वे कम्युनिस्ट नहीं बने, तो क्यों नहीं बने इसका उत्तर जान लीजिए। कम्युनिस्ट के नियम के मुताबिक ही यदि देश में कोई जन कल्याणकारी आंदोलन चल रहा है और जो आंदोलन आगे बढ़ा हुआ है उस आंदोलन का साथ देना कम्युनिस्ट का फर्ज बनता है, तो उस समय कांग्रेस की चलती थी, देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस पार्टी लीडिंग पार्टी के रूप में थी, तो इसीलिए वे कम्युनिस्ट में शामिल होने के बदले कांग्रेस में शामिल हो गए। यही प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जयप्रकाश बाबू कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। उन्हें लगा कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व ही कारगर है, बुजुर्गवार क्लास भी यदि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है तो उसका साथ देना चाहिए। इस आधार पर JP कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। अब अगला प्रश्न है, जयप्रकाश बाबू की पत्नी और ससुर का नाम क्या, जयप्रकाश बाबू की पत्नी और ससुर का नाम क्या था।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जय प्रकाश बाबू की पत्नी का नाम प्रभावती। आप मुंबई में जाएंगे तो उनके नाम पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है। तो हॉस्पिटल बने नहीं बने अलग मुद्दा है, उससे आपको नहीं, आपको याद रखना है कि उनकी पत्नी का नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रभावती है, और उनके ससुर बहुत बड़े कांग्रेसी नेता थे, ब्रजकिशोर प्रसाद। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्रजकिशोर प्रसाद, उनके ससुर का नाम ब्रजकिशोर प्रसाद, यानी प्रभावती के पिता का नाम हुआ ब्रजकिशोर प्रसाद। नारी की पराधीनता कब शुरू हुई आप यहाँ पर देख लीजिए। नारी की पराधीनता जब मानव सभ्यता का, यानी कृषि सभ्यता का जब विकास आरंभ हुआ, उसी समय नारी की पराधीनता शुरू हो गई। कृषि सभ्यता के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता शुरू हुई। पुरुष खेत खलिहान संभालने लगा और नारी घर में फंसी रह गई। घर के सीमित क्षेत्र में उलझने के कारण नारी की पराधीनता हो गई। इतिहास की क्रियाई प्रक्रिया का क्या आशय है इसको आप समझिए। यात्रा के क्रम में कहीं बस जाने को इतिहास की क्रियाई प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कर्नाटक के कर्नाटवंशी राजा थे, वे आए घूमने के लिए मिथिला क्षेत्र में, और यहाँ के क्षेत्र की सुंदरता देखकर वे मोहित हो गए और यहीं बस गए। यही तो इतिहास की क्रियाई प्रक्रिया है। गैग्रीन क्या है इसमें आप कहेंगे, गैग्रीन एक प्रकार की बीमारी का नाम है जो कांटे के चुभने से होती है, और इस बीमारी के होने पर जल्दी इलाज नहीं किया जाए तो उस परिस्थिति में हाथ पांव काटने तक की नौबत आ जाती है। तो इसी को यहाँ पर समेट कर कह दिया गया है, पहाड़ी क्षेत्रों में कांटे के चुभने से होने वाली एक घातक बीमारी गैग्रीन है, इससे हाथ पांव काटने की नौबत आ जाती है। आठवां, विद्यार्थी से भगत सिंह क्या अपेक्षा थी, या विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। उनका मानना था कि विद्यार्थी स्वतंत्र जीवन वाले होते हैं, उन पर परिवार की कोई जवाबदेही नहीं होती है, इसलिए वे राजनीति में मुक्त भाव से भाग ले सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, विद्यार्थी जीवन से ही यदि छात्र राजनीति से परिचित होंगे तो उन्हें अपने देश समाज से बाद में लगाव बना रहेगा। किसी भी क्षेत्र में वे जाएंगे, वे अपने देश समाज की राजनीतिक गतिविधियों से परिचित होंगे। कहने का तात्पर्य यह कि छात्र ही आगे चलकर वोट देने वाला और वोट लेने वाला दोनों बनते हैं, इसलिए उन दोनों को राजनीति का बढ़िया ज्ञान होना चाहिए। वह ज्ञान यदि छात्र जीवन से प्राप्त हो जाता है तो वह बहुत बढ़िया माना जाएगा। ऐसा ही भगत सिंह छात्रों से अपेक्षा रखते थे। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, इसको देखिए। यहाँ पर संघर्ष करते हुए देश के लिए फांसी पर चढ़ जाना, मौत का शिकार हो जाना, मृत्यु को प्राप्त कर लेना, इसको सुंदर मृत्यु कहा है। देश सेवा के लिए, देश की आज़ादी के लिए यदि हमें कुर्बानी दी जा देनी है तो हमारे लिए वह कुर्बानी सुंदर मौत मानी जाएगी, इसी को यहाँ पर कह दिया। संघर्ष करते हुए कुर्बानी देने को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। आगे है, व्यवहारिक राजनीति क्या होती है, व्यवहारिक राजनीति, इसका उत्तर आप देख रहे हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना व्यवहारिक राजनीति है, अर्थात लोगों को देश के प्रति सहज रूप से जागरूक करना व्यवहारिक राजनीति है। इस तरह आपने व्यवहारिक राजनीति को जान लिया। इसके बाद है, भगत सिंह कौन थे आप लोग जानते हैं,
इसको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े देश स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह थे, देश की आज़ादी के लिए वे फांसी पर चढ़ गए, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह थे। यही आप देख रहे हैं, भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, उसी के आरोप में उन्हें फांसी की सजा दी गई। इस प्रकार भगत सिंह आज़ादी के लिए शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे। चौर और मन किसे कहते हैं, आप वो सदा निरा पाठ पढ़े होंगे, उसमें सरैया ताल की चर्चा आई है। उसमें बताया गया कि ताल दो प्रकार के होते हैं, एक ताल का नाम चौर और एक का नाम मन। गहरे ताल को मन कहते हैं और छिछले कम पानी वाले ताल को चौर कहते हैं। चौर वाले क्षेत्र में गर्मी के मौसम में खेती भी की जा सकती है, मन गहरे ताल वाले को कहा जाता है। तो इस तरह आपने देख लिया। इसके बाद धांगर शब्द का क्या अभिप्राय है, यह भी उस सदानीरा पाठ से ही प्रश्न है। धांगर का अर्थ आप देख रहे हैं, भारे का मजदूर होता है। धांगर का अर्थ भारे का मजदूर होता है। 18वीं शताब्दी के अंत में चंपारण लाए गए, ये छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र में लाया गया था। ये उराव मुंडा लोहार आदि आदिवासी जाति से मेल खाते, ये चंपारण में नील की खेती सहयोग करते थे। इन्हें गुलामों का जीवन जीना पड़ता था, ये अपनी जाति के लोगों के साथ उराव भाषा में बात करते थे, जबकि दूसरे लोगों के साथ भोजपुरिया मधेसी में बात करते थे। तो इस तरह आपने जान लिया कि धांगर का अर्थ उराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। चौथा हुआ, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे। उसको ऐसा परिवेश, ऐसी परिस्थिति दे दी गई थी कि वे एक दूसरे के खून का प्यासा थे। वे जानते थे कि हम नहीं मारेंगे तो वह हमें ही मार देगा। दोनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे थे। मानक और सिपाही दोनों ही युद्ध में गोली चलाते चलाते बर्बर हो चुके थे। मानक जानता था यदि वह सिपाही को नहीं मारेगा तो सिपाही ही उसे मार देगा। इस तरह दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई पड़ते थे। कला कला के लिए सिद्धांत क्या है, आप जानते हैं कि साहित्य में दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं, कला कला के लिए और कला जीवन के लिए। कला कला के लिए सिद्धांत में कला का उपयोग कलात्मकता के लिए की जाती है, शैली के लिए की जाती है। तो इसी को यहाँ पर दिखाया गया है, विश्व स्तर पर साहित्य के क्षेत्र में कला कला के लिए एवं कला जीवन के लिए सिद्धांत का चलन है। इसमें कला को सिर्फ मनोरंजनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसमें शास्त्रीय बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जैसे रीतिकालीन काव्य इसका सुंदर उदाहरण माना जा सकता है। आगे है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। लेखक के अनुसार सुरक्षा खुले वातावरण में है, धूप में है, सूरज के प्रकाश में है। यही इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। लेखक डायरी सिर्फ नाम के लिए नहीं लिखता है, बल्कि उसे वह अपने कर्म का की साक्षी बनाना चाहता है, इसी में वह अपनी सुरक्षा देखता है। वास्तव में लेखक के लिए डायरी आत्मनिर्माण का प्रामाणिक अंतरंग साक्ष्य है, उसकी डायरी है। उसकी डायरी में शब्द विलास के बदले आत्मसंघर्ष है, यही उसकी सुरक्षा है। इस तरह घर में बंद रहने से, अंधकार में छिपे रहने से व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता है, व्यक्ति को सुरक्षित होने के लिए धूप के प्रकाश में निकलना पड़ेगा। तिरिच किसका प्रतीक है, या तिरिच प्रतीक है, इसका उत्तर आप देख लीजिए। संवेदन शून्य अमानवीय शहरी संस्कृति का प्रतीक तिरिच है। हमारे जीवन में निराधार मान्यताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मरे हुए सांप आदि कुछ कीड़े मकोड़े चांदनी के ओस में पुनः जीवित हो उठते हैं, वे बड़े विषैले होते हैं, वे हमेशा प्रतिशोध लेने की ताक में रहते हैं। इस प्रकार निरंकुश क्रूर
नगरीय जीवन दृष्टि का प्रतीक त्रिच है। यह जो सब नगरीय सभ्यता है वह इसी तरह के जीव की तरह अत्यंत निर्दयी है, उसी को यहाँ पर त्रिच का प्रतीक माना गया है। नूतन विश्व निर्माण कैसे हो सकता है? इसका उत्तर देखिए, सत्य की खोज, निर्भीकता, स्वतंत्रता अर्थात वास्तविक जीवन मूल्य की स्थापना से नूतन विश्व की स्थापना हो सकती है, अर्थात वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने से ही नूतन विश्व का निर्माण हो सकता है। प्रेम, दया, ममता, भाईचारा आदि की स्थापना वास्तविक शिक्षा के माध्यम से संभव है। इसी से आपसी बैर या महत्वाकांक्षा समाप्त होगी, फिर नूतन विश्व का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। यह ध्यान रहे कि मेधा के लिए स्वतंत्रता, स्वाभिमान, स्वावलंबन आवश्यक है और यह शिक्षा से ही संभव है। लेकिन जहाँ भय है वहाँ पर आदमी परतंत्र होता है, डरा हुआ होता है, उसकी आत्मा गुलाम होती है, मरी हुई होती है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ भय है वहाँ मेधा संभव नहीं है, यही यहाँ पर लिख दिया गया है। मेधा के लिए स्वतंत्रता चाहिए, भय में व्यक्ति परतंत्र रहता है, अतः भय में मेधा संभव नहीं है। और तब आपका अगला है, शिक्षा का अर्थ और कार्य क्या है? उसका उत्तर आप देख रहे हैं, शिक्षा आत्मा का संस्कार और प्रकाश होती है। मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर करना ही शिक्षा का प्रमुख कार्य है। यह लोगों में प्रेम, सद्भावना, करुणा, दायित्व बोध, सृजनात्मक भावना जगाती है। यह व्यक्ति को पूर्णतः निर्भीक बना देती है, अर्थात नूतन विश्व निर्माण का सबसे बड़ा दायित्व शिक्षा पर ही। इस तरह आपने लघुतरीय गद्य खंड को जान लिया और फिर एक बार आपको ध्यान आकर्षित करा देते हैं कि यहाँ जो दिया गया वह बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न था उस पर तो दिया ही गया। मॉडर्न एटम बम जो गैस पेपर है, उस गैस पेपर के अन्य प्रश्नों को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि गैस गैस होता है, उसको ध्यान से आपको पढ़ना है, परीक्षा में अच्छी सफलता लाना है। तो इसी अच्छी सफलता की शुभकामना के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस व्याख्यान को सुनने के लिए। अगले व्याख्यान में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।